इस चैनल पे अगर आप अभी भी नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नया नया वीडियो पहले ही देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग को जो YouTube आप यूज करते हैं, YouTube तो बेसिकली आप वीडियो देखने के लिए यूज करते हैं, क्या आपको पता है कि YouTube के जरिए से आप आपका अपना खुद का बनाया हुआ वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं और आपको भी मतलब सारा दुनिया भर में यूजर्स YouTube का यूजर्स भी देख सकें। तो दोस्तों इसलिए आपको इतना करना है कि पूरा प्रोसेस मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ चैनल को, अगर आप इस चैनल में बिल्कुल नया है अभी तक सब्सक्राइब किए नहीं है तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नया नया वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए, हमको सबसे पहले आपका जो मोबाइल अगर है एंड्रॉयड मोबाइल में या डेस्कटॉप में किसी में भी आप मतलब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको मैं अभी फ़िलहाल मोबाइल में करके दिखा रहा हूँ। बेसिकली आप लोग मोबाइल यूज़ करते होंगे तो मोबाइल में क्या करना पड़ेगा, आपका जो यहाँ पे यूट्यूब का एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आपको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे आपको सबसे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सबसे साइड में जो आपका चैनल का जो आइकन होता है, आपका जो यूट्यूब का जो जिस अकाउंट से आपने खोले होंगे उसका आइकन यहाँ पे साइड में दिखता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको योर चैनल, यूट्यूब स्टूडियो, ये सब सारे चीज़ दिखने स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो योर चैनल होता है, योर चैनल में आपको मतलब क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा कोई चैनल अभी क्रिएट हुआ नहीं है, तो हमको अभी क्या करना है, हमारा यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे। तो इसलिए मेरा जो नाम है, मैं यूट्यूब चैनल का मैं एक नाम यहाँ पे देखता हूँ, डील्स टुडे। तो चलिए दोस्तों इसको हम अभी क्या करना है, क्रिएट चैनल में जैसे ही टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट चैनल में ओके कर देना है। तो दोस्तों अभी आपका चैनल बनके तैयार हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा जो काम है हमको करना है क्या है, आपको यहाँ पे आपका चैनल का आइकन डाल दीजिएगा सबसे बेस्ट बेहतरी के लिए। साथ में आपको अभी आप नया ओपन कर लेने बाद आप अगर अपलोड करना चाहते हैं तो इसके बाद आपको होम के बाद वीडियो है, इस वीडियो में आपको क्या करना है, अपलोड वीडियो मारना है। कोई भी अगर वीडियो आपके पास है आप वो वीडियो को आप अपलोड मार सकते हैं। अपलोड मारने के बाद अपलोड मार जैसे ही मारते हैं यहाँ पे आप कुछ प्लेलिस्ट को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो हम एक वीडियो पहले मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ, छोटा वाला वीडियो मैं एक अपलोड करके दिखा रहा हूँ, मेरे पास है एक छोटा वाला वीडियो, मैं डमी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ये वाला वीडियो मैं एक अपलोड कर रहा हूँ। तो अपलोड वीडियो जैसे अपलोड करते हैं यहाँ पे आपको वीडियो का टाइटल मांगेगा, तो यहाँ पे हम एक टाइटल दे देते हैं, कुछ भी एक टाइटल दे देते हैं, लेकिन आपका जो वीडियो आप जिस ये के ऊपर बनाए होंगे उसका टाइटल आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हम एम्बिएंट एम्बिएंट वीडियो करके मैं एक दे दिया। इसका डिस्क्रिप्शन आपके वीडियो के ऊपर जो भी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये अनलिस्टेड जो दिखा रहा है अनलिस्टेड, उसके साथ पब्लिक और प्राइवेट। ये वीडियो अगर आप पूरा दुनिया को दिखाना चाहते हैं इसको पब्लिक में कर दीजिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे अपलोड का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही अपलोड करते हैं आपका वीडियो अभी अपलोड होने को तैयार हो गया है। तो आपका वीडियो अभी अपलोड हो रहा है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वीडियो अभी फिलहाल अपलोड हो चुका है। तो हमारा वीडियो लिस्ट में यहाँ पे हमको दिखा रहा है एम्बिएंट वीडियो अभी हम जो कि जिसको अभी हम अपलोड किए। तो इसको इसके बाद हम हमारा चैनल को जो भी अभी चैनल बनाया है उसको हम शेयर कर सकते हैं, जिसके वजह से हमको थोड़ा सब्सक्राइबर पहले मिल जाते हैं।
तो दोस्तों इसके साथ मैंने अभी बताया कि इस जो वीडियो आपने अपलोड किया तो उसका व्यूज़ अभी पहले स्टार्टिंग में आपको कैसे मिलेगा, मतलब ये के लिए मैं आपको जो इसका आई टैब में आपको ऊपर दे दिया हूँ उसको हिसाब से आप इसका व्यूज़ को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नए नए वीडियो देखने के लिए।